बिलासपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छडोल में दिन के समय पाठशाला की छत का एक हिस्सा नीचे आ गिरा। इस कमरे में छठी व सातवीं कक्षा के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन आजकल स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं। अगर ये छत छुट्टियां खत्म होने के बाद गिरती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी देते हुए भूरीलाल गर्ग ने बताया कि दोपहर के समय पाठशाला के मुख्य कार्यालय में काम कर रहा था कि जैसे ही भवन की दूसरी मंजिल में धमाके की आवाज आई और सब लोग बाहर की ओर दौड़े, और आगे आकर उन्होंने जब ऊपर जाकर देखा कि पाठशाला के अंदर लेंटर का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरा हुआ है। उधर SMC बलबीर सिंह का कहना है कि करीब 2 बजे स्कूल से उन्हें फोन आया कि पाठशाला की छत गिर गई है। उन्होंने मौके पर पहुंचा और देखा कि कमरे के अंदर लेंटर का एक हिस्सा गिरा हुआ है। बलबीर का कहना है कि पाठशाला में कमरों की जरूरत है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि नए कमरे बनवाए जाएं। मेरे को 2 बजे के करीब सूचना मिली, फोन आया कि लेंटर गिर गया। तो मैं आया, मैंने देखा तो देखा कि ऊपर से लेंटर का बड़ा सा हिस्सा टूट के नीचे गिर गया था। तो मैंने इसका पहले भी क्या नाम किया था, इसका प्रशासन से मेरी ये एक कमरे में दो दो क्लासें बैठ रही है, तो हमारे को कमरों की जरूरत है और हमारे को कमर छुट्टियां चल रही है। मैं तो वहाँ बच्चे बैठते हैं, कई बच्चों के ऊपर गिर जाता, बड़ा हादसा होने से बच गया। प्रधानाचार्य जगतपाल ने बताया कि इसकी सूचना उन्हें भी दी जा चुकी है। इस बारे में उन्होंने उच्च अधिकारियों को बता दिया है।